गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप स्वस्थ रहिए, ठंडी चल रही है तो अपना ध्यान रखिए थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ठंडी लग रही है यहाँ, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल की वजह से ना यहाँ धूप आती नहीं, बाहर भी नहीं आती, यहाँ भी नहीं आती, कहीं नहीं आती, तो ठंडी ठंडी लग जाती है। और मैं कर रही हूँ ये मेरा दूध गर्म हो रहा है ना, सिम करती हूँ। और ये मेरा मैं घी बना रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के लिए और खाने के लिए घी बचानी है। ये पानी थोड़ा गर्म हो रहा है, इसको धोने के लिए, बाद में इसको धुले वाले। सर्दी की वजह से गाढ़ा हो रहा है ये। ये देखो पूरी क्रीम बन गई, क्रीम ऐसे होती है ना, क्रीम जो बाजार से लाते हैं हम घी निकालने के लिए, वही बन गई है। देखो मैं ना आधा किलो घी लेती हूँ, और उसमें भी ऐसे ही दूध होता है, अच्छा नहीं होता, मतलब उसी से बनाती हूँ मैं। थोड़ा सा ना ये गर्म पानी डालूंगी इसमें। ये फ्रिज की वजह से ठंडा ज्यादा हो रहा था। हमारा सारा काम निबट चुका है, दूध भी गर्म हो गया, घी भी निकल गया, और अब ये देखो बनना है। बना रही हूँ, मतलब पका रही हूँ, इसको बोलते हैं। एक रोटी पड़ी है, इसको कुत्ते को दे देते हैं। खा ले। एक रोटी के लिए तो थोड़ा बक्का है। तुझे मोट लग रहे हैं कती? यहाँ पे सिलाई वलाई करने के बाद सारा सामान समेट रही थी मैं, क्योंकि अब दिन छिप गया, लगभग 4 बज गए ना, तो झाड़ू वाड़ू भी लगानी है शाम की। जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ मैं सब चीज़ें लेके बैठती हूँ, ताकि मुझे उठना ना पड़े, पानी पीने के लिए भी और कुछ ना कुछ खाने के लिए भी, ताकि मुझे हिलना ही ना पड़े यहाँ से। जब तक निबट जाए तब उठूँ। ये सूट ना मेरा अब कंप्लीट हुआ है, अब कल इसकी तुरपाई करूँगी, कॉलर लग रह गया था ना इसका, तो आज कंप्लीट हो गया है। अब मैं मतलब सर एक आध और सूट ले लूँगी ना सर्दियों का, बस, और एक ही ज़्यादा नहीं ज़रूरत है सर्दियों में, फिर उन्हें गर्मी गर्मी में उठा के रखते रहो, इसलिए एक ही सही है, एक आध और बना लूँगी बस। अब मैं लगा देती हूँ थोड़ा झाड़ू, क्योंकि सारे में कत्तर, और मैंने बाल बाल बनाती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत कंघे में तो आते आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ उड़ के चले जाते हैं, तो बाल ज़्यादा निकलते हैं मेरे झाड़ू में, कचरा तो कम होता है, सुबह को भी ऐसे ही होता है रोज़ रोज़। और इतनी सारी कतरे तो मैंने एक तकिया में लगा रखी है, घुसा के, मतलब बहुत बना रखा है। प्लीज़ हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बिना लाइक को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। ये मेरे कपड़ों की कतरें इकट्ठी हो जाती हैं, जो कपड़े सिले ना मैंने आज,
ये उन्हीं की करता रहती सारी। तो जो कतरे थी ना, मैं इन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है ना, ये सारे इनके पत्ते, अब पतझड़ चल रहा है शायद, जो भी हो, तो टूट टूट के गिरते रहते हैं। ये देखो कितने सारे हैं, बहुत, रोज़ तीसरे चौथे दिन मुझे यही काम रहता है जलाने का इनको। तो मैं इनको इकट्ठा करके, अब ऐसे तो जलेंगे नहीं, किसी सहारे से आग पकड़ेंगे, तो ये छोटी छोटी कतरे इकट्ठा करके इनसे जला देती हूँ। इस देखो कितने अच्छे से पकड़ गए हैं आग, और जो थोड़ा नरम नरम है वो रह जाएंगे, तो कल जलाएंगे। फिर ऐसे ही करना पड़ता है रोज़ रोज़। पेड़ पूरा खाली हो गया है, एक भी थोड़े बहुत ही पत्ते बचे हैं, डंडी दिख रही है सब। अमरूद में भी, बस अमरूद में क्या है ना, तुरई की बेल है तो उससे हरा भरा नज़र आ रहा है वो, वरना उसमें भी कोई वो नहीं है, सब ऐसे हो गया है। पतझड़ जैसे, पतझड़ ही चल रहा हो शायद, तक तो ऐसी रहा है, पतझड़ चल रहा है पेड़ पौधों को देख कर। तो लेकिन यार नई नई सब्जियाँ तो इसी टाइम उगाई जा रही हैं। चलो छोड़ो जो भी है, देखो कितने अच्छे से आग पकड़ गया। रोज़ रोज़ ना इतने पत्ते झड़ते हैं ना, स्पीड से सारा पेड़ नंगा हो गया वो वाला, झड़ झड़ के पतझड़ चल रहा है ना, और इतने पत्ते रोज़ जलाते हैं तब भी इतने पत्ते हो जाते हैं रोज़ 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 रोज़। आज तो कपड़े भी इतने सारे धुले हैं कि पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे जल्दी से, अभी कोई भी नहीं सूखा है, सब गीले ही हैं अभी तक। पता है मौसम इतना गर्म आ रहा है ना बारिश की वजह से, देखो सॉरी जैसे बादल हो, बारिश पड़ी जैसे कि ऐसे गर्म आ रहा है। शायद बारिश पड़े, बढ़िया वाली, बढ़िया वाली, एकदम सुकाल वाली। देखो मैंने बनाई रोटी, और ये थोड़ा सा पोहा भी बना दिया, मेरा मन कर रहा था ना खाने का, तो इसलिए ढक्कन का रख दिया भाई मैंने। मेरी थोड़ी सुबह की गोभी है ना मुझे, तो मैं इससे पराठे बना रही हूँ। मैंने इसमें सब्जी भजी भी भर दी है, तीन बनाए हैं तीन, और बहुत है मेरे लिए, थोड़ा पोहा हो जाएगा। पतिदेव तो फ्रेंड के साथ होटल में खा रहे हैं, हम इसी को खा लेते हैं, कोई नहीं। किसी ने खाया म्यूनी के साथ पराठा? आलू का बहुत टेस्टी लग रहा, आगे देखियो कभी, देखो म्यूनी और पराठा। उसे खाना आ जाओ, नहीं तो फिर ना मिलेगा बच्चे कहीं ना। कपड़े यहाँ से टंगे ऐसे करके, ऐसे गिर गए नीचे, वो वहाँ तक बिटोरे मैंने। फिर शाम के टाइम तो पानी से निकलता, पानी तो सब झड़ गया था उनका। करो करो, और टाइट मत करो ज्यादा, कभी खिंच जाए फिर से टूट जाए। इधर तो बहुत बड़ी है,
अब बांधा सही से, इसे क्या मैं बांधना। ठंड लग रही है बाहर, तारे निकल रहे ऐसे तो ठंड लग रही जी बाहर को, अंदर चलो। यो पानी पानी कर दिया सारे घर में रात में, चिंता कर रहे है क्या? पानी हम काम बढ़ा रहे, देखिए सारे में पानी ना हो रही है। भाई भाई पर ले आओ, लाओ मैं भाई पर मार दूं वाम मेरे सारे में पानी पानी करके बैठ गए। इतना सारा निचोड़ कर लेगा कभी? वो तो सोचो, जब गीले ना थे कपड़े, जब ना गीले ना तो सारे फिर दोबारा दोबारा करने पड़ते हैं मुझे। अब तो लाइट ऑफ कर दो, कोई काम है? कर दे रही मैं तो, आप तो कुछ बोलोगे ना। कर दे बाहर की तो, बाहर की तो कर दी। और कपड़े हमारे सारे यहीं, यहाँ देखो कमरे में फैले हुए, रस्सी टूट गई थी हमारी, तो हमने अंदर जाएंगे क्या करते, तो वीडियो को करते हैं यही एंड। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जय हिंद जय भारत, राम राम। प्लीज़ 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 यार, बहुत तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।